हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। आज शनिवार का दिन है और आज सितंबर का आखिरी दिन भी है और कल से पितृपक्ष भी शुरू होने वाला है। मेरी सुबह ये शुरू हो चुकी है और अब पूजा पाठ का समय हो गया है, तो मैं एक भक्ति गीत अर्पित करना चाहूँगी। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम रो बिना हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुम रो बिना हमरा कोनो नहीं। तो ये देखिए, मैं तैयारी कर रही हूँ मीटिंग में जाने की। 10:15 बज चुके हैं, हालांकि मुझे 10:30 तक बिल्कुल पहुंचना है, तो ये झटपट तैयारी हो रही है मेरी। आज मैंने ये शलवार कमीज चुना है पहनने के लिए और बिल्कुल आईने के सामने खड़ी होकर तय कर लेना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही है, सही लग रहा है। और बस अब निकलने का समय हो चला है और मुझे झटपट जाना चाहिए, क्योंकि ऑडिटोरियम पहुँचते पहुँचते करीब करीब 10 मिनट लग ही जाएंगे। हालांकि हमारे प्रमाइसिस में ही है, लेकिन थोड़ी दूरी पर है, तो वॉक करते करते कुछ समय तो ज़रूर लगेगा। और मैं पहुंच गई वहां पे और मीटिंग हालांकि 10 मिनट पहले शुरू हो चुकी थी, तो काफ़ी अच्छा रहा AGM का यह मीटिंग। और उसके बाद फिर आखिर में फ़ोटो सेशन हुआ, तो इस फ़ोटो सेशन के कुछ क्लिप्स ही मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। सारे कमेटी मेंबर्स डायस पे हैं, तो इस प्रोग्राम के बाद हल्का फुल्का स्नैक्स और चाय वाय भी चला, लेकिन हमारे तो गपशप और बातों में ही करीब करीब 1 बज गए और घर पहुंचते पहुंचते 1:30 बज गया। हालांकि सुबह सुबह मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, सिर्फ अश्विन के लिए उपमा ही बनाया था और चाय पी थी खुद और बस मखाने वगैरह खाकर निकल चली थी। तो अब मुझे भूख भी लग रही थी और किचन में भी काफ़ी काम करना था, तो यहाँ से सारे जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो सब लोग अपने अपने घर पहुँचे और मैं भी पहुँच गई अपने घर। ये देखिए, मैं अपने विंग में आ चुकी हूँ और अब मुझे जल्दी है कि कब ऊपर पहुँचूँ, क्योंकि भूख तो लगी रही थी, साथ साथ मुझे चिंता थी कि किचन में कुछ ज़्यादा बना नहीं है, मुझे बनाना होगा। तो ऊपर पहुँच कर थोड़ा आराम किया मैंने और सोचा कि क्यों ना मटर पनीर ही बना लिया जाए, क्योंकि मुझे आसान रेसिपी लगता है और अश्विन भी आराम से खा लेता है। तो मटर पनीर बनाकर सादे फुलके मैंने बनाए, क्योंकि आज खास कुछ तामझाम करने का मन नहीं था। ये देखिए, मटर पनीर बनाकर मैंने दूसरे बर्तन में उसे ट्रांसफ़र कर दिया है और अश्विन जब खा रहा था तो उसे तो बहुत अच्छा लगा, सच पूछिए तो अच्छा बना था, झटपट में भी अच्छा बन गया था। तो ये फटाफट मैं फुलके सेक रही हूँ और देर हो जाने से बस यही हो जाता है कि बस अब जल्दी जल्दी हो जाए, फिर शाम का भी काम करना था और फिर आराम भी करना था। तो ये फुलके सारे सेक कर उसमें मैंने वो शुद्ध घी लगाया जो मैं घर में निकालती हूँ, होममेड घी। और ये घी सिर्फ मैंने अश्विन की रोटी में ही लगाया, खुद मैं अवॉइड करती हूँ घी लगी हुई रोटी खाना, कभी कभार चलता है लेकिन ज़्यादातर उसे अवॉइड ही करती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ी थकी हुई सी भी मैं लग रही हूँ, आपको दिख रहा होगा थकान दिख रही है मेरे चेहरे पे, तो कोई बात नहीं है। थोड़ी इसके बाद मैंने थोड़ा आराम कर लिया, आराम करने के बाद सब फिर से फ्रेश हो गई मैं, क्योंकि आज कुछ विशेष करना नहीं था, तो बस ये रोटी बनाकर अब मैं आराम करूँगी और शाम को भी ज़्यादा कुछ बहुत लंबा कुछ मेनू रखा नहीं है मैंने, तो सब्ज़ी रोटी दाल चलेगी। तो ये देखिए, अब मैं रोटियों में घी लगा रही हूँ अश्विन के लिए, बस उसके बाद मैं इसे बंद करके रख दूँगी। अब मेरा काम पूरा हो गया, बड़ा सुकून आया
शाम को कुछ आराम करने के बाद मैंने ये सब इन सब्जियों को करीने से रखा, सब्जी लाकर मानिक रख दिए थे और धोकर भी रख दिया था उन्होंने, तो बड़ा आराम हुआ। ये देखिए मैं इस सभी ऑर्गेनाइज़र में ये जो डब्बा है इसमें रख रही हूँ, और ये जो जाली दिखा रही थी मैं, ये जाली रहने से इस डब्बे में जो अगर आप थोड़ा बहुत अगर सब्जी में कुछ बूंदें अगर पानी के भी रह जाए तो सब्जियों को कोई हानि नहीं पहुंचती है, क्योंकि आमतौर पर अगर सब्जियां अगर पानी में रह जाएं तो वो गल जाती हैं, पर इससे निजात मिल जाती है। ये देखिए इस तरह से एक एक डब्बा मैं तैयार कर रही हूँ, ये इस तरह, ये देखिए ये जाली रखा मैंने, इसके बाद ये हरी सब्जियाँ उसमें मैं सजा अच्छी तरह से बिल्कुल उसमें जितने आ रहे हैं उनको रख करके उसको डब्बे में बंद करके रख दे रही हूँ। अब ये टमाटर है और हरी मिर्च है, हरी मिर्च की डंडियाँ तोड़कर इस बर्तन में रखती हूँ जो कि जाली वाला टिफ़िन है। अब मैं पटल को अच्छी तरह इस डब्बे में सजा दूँगी, अच्छी तरह करीने से बिल्कुल बहुत अच्छे से रहता है। जब आपको सपोज़ कि पटल निकालना है तो ऐसा नहीं कि पटल और भिंडी सारे मिले हुए हैं तो आधा समय तो हमारा चुनने में ही निकल जाता है, तो इस तरह ये ऑर्गेनाइज़र बड़ा ही काम का है। आप भी अगर इसे ये ऑनलाइन आप मंगवा सकती हैं, नहीं तो बिग बाज़ार या फिर डी मार्ट में मिल जाता है। और ये एक और टिप है दोस्तों के, इनको तो आप अच्छी तरह रखेंगे ही, साथ ही ये जो हरी पत्तेदार हरी धनिया और ये पुदीना या करी पत्ता है, इनको भी बहुत अच्छी तरह आप बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। ये देखिए ये जो ग्लास है, एक स्पेयर ग्लास को मैंने ले लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको जड़ सहित उसमें रख दिया और उसके ऊपर से एक पॉलिथीन से इसे इन पत्तों को बिल्कुल अच्छी तरह से ढक दिया और फिर फ्रिज में जहाँ आप बॉटल रखते हैं वहाँ रख दें, और ये आराम से आपको एक हफ्ते बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, कहीं ज़रा एक भी पत्ती आपको मुरझाई भी नहीं मिलेगी। देखिए इसे मैंने भर दिया और भी ज़्यादा मिर्ची सारे तोड़ करके बिल्कुल इसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं रखती हूँ ताकि मुझे झटपट खाना बनाने में ये सब प्रॉब्लम ना आए। तो डब्बे कम पड़ रहे थे तो गाजरों को मैंने एक अच्छे से पॉलीथीन में रख दिया और लौकी को अलग रखा है। ये देखिए फ्रिज से निकाल कर मैं सारे डब्बे को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख दे रही हूँ। इस तरह से ये एक बहुत अच्छा टिप है आपके लिए कि सब्जियों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें ताकि मतलब जब आप बनाएं तो आपको अफरा तफरी ना हो और जल्दी में एक दूसरे से मिलने से परेशानियाँ ना हो। और एक हरी पत्ती वाली जो धनिया है और पुदीना है उसको भी रखने का भी एक अच्छा टिप आपको दिया है, तो आप उसको ज़रूर अपनाएं। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ रहने के लिए। आप बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा।